पापा मैं सौरभ बोल रहा हूँ। ये सुनते ही दून के आरके वशिष्ठ की आँखें छलक उठीं और ये आवाज़ उनके बेटे सौरभ वशिष्ठ की थी, जिन्हें कतर में फांसी की सजा सुनाई गई थी। वे स्वदेश लौटे थे। आरके वशिष्ठ का हाल जुबिन नौटियाल के एक एल्बम में फिल्माए गए उस सीन जैसा था जिसमें वर्षों से गायब सैनिक पुत्र के घर आने के पिता को सूचना मिलती है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आरके भी बेटे की आवाज़ सुनते ही बोल पड़े, मेरी चौखट पर मेरे राम आया है। ये बातें थीं पिता और पुत्र की। पुत्र कतर में फांसी की सजा पा चुका होता है और वो स्वदेश लौटता है तो पिता को फ़ोन करता है। पिता को उसी बातों पर अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि मेरा बेटा तो फांसी की सजा पा चुका है, वो कैसे लौट सकता है इंडिया। आज से 3 महीने पहले क्लिक इंडिया ने कतर द्वारा भारत के पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को लेकर फांसी सुनाए जाने के मामले पर साफ कर दिया था कि कतर के लिए फांसी का फैसला आसान नहीं होगा और मोदी सरकार अपनी कूटनीति से इस समस्या को धराशायी कर देगी, इस समस्या पर विजय पा ली। और हुआ भी वही। आज भारतीय सैनिक अपने देश में अपने परिवारों के बीच है। पहले देखिए 3 महीने पहले क्लिक इंडिया ने क्या कहा था। कतर आज की डेट में देखा जाए तो भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। भारत एक आज की डेट में देखा जाए तो बहुत बड़ी पावर है। भारत को अनदेखी करके उसके सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को फांसी पर चढ़ा देना, ये उसके लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित हो, ये भी तय है। अब आ जाते हैं मुख्य मुद्दे पर। पीएम मोदी 14 फरवरी को कतर की राजधानी दोहा की यात्रा करेंगे। इससे पहले वे संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। कतर का नाम आए और पीएम मोदी के उस गदर की चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं गदर शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ कि देखा जाए तो मुस्लिम देश कतर में जिस तरह से भारतीय सैनिकों को फांसी की सजा दे दी गई थी, वो देश के लिए बड़ा सेटबैक था। लेकिन एक तरफ डर था तो उस डर के आगे जीत का देश को भरोसा भी था, क्योंकि आज देश में पीएम मोदी हैं और आज हर देशवासी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जीता है। वैश्विक मामलों में कम से कम हमने असंभव को संभव होते देखा है, इसलिए विश्वास और अधिक पुख्ता हुआ है। यही है मोदी सरकार का स्टाइल। सबसे पहले अभिनंदन को छोड़ो, पहले कतर से हमारे सैनिकों को छोड़ो और उसके बाद हम बात करेंगे। और पीएम मोदी चल भी दिए कतर की यात्रा पर। पीएम मोदी की कतर यात्रा की घोषणा खाड़ी देश द्वारा जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा करने के एक दिन बाद हुई है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले के घटनाक्रम की निगरानी की है। कुछ बातें यहाँ बतानी भी जरूरी है ताकि देशवासियों को ये पता चले कि कतर में फांसी की सजा माफ हो जाना इतना आसान नहीं था जिसे मोदी सरकार ने कर दिखाया। हम आपको बता रहे हैं कि गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक का पूरा मामला क्या था। 30 अगस्त 2022 को भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उन अधिकारियों को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया था यह साफ नहीं था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि कतर की खुफिया एजेंसी ने जासूसी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था। 1 से 3 अक्टूबर 2022 को दोहा में भारतीय राजदूत और उप प्रमुख ने नौसेना के पूर्व अधिकारियों से मुलाकात की। 1 मार्च 2023 को कतर में नौसेना के पूर्व अधिकारियों के लिए दाखिल की गई याचिकाएं खारिज हो गई और इसके बाद 25 मार्च 2023 को सभी के खिलाफ आरोप दाखिल किए गए और ट्रायल का दौर 29 मार्च से शुरू हो गया। इसके बाद समय आता है 26 अक्टूबर 2023 का। कतर की कोर्ट की तरफ से सभी 8 भारतीय नागरिकों को इस दिन मौत की सज़ा सुना दी गई थी और इसके बाद 9 नवंबर 2023 को भारतीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि रिहाई के लिए कतर में अपील दाखिल कर दी गई है। अब समय बीतता जाता है और 23 नवंबर 2023 को भारत की अपील को कतर की कोर्ट ने मान लिया। इस दिन भारत ने मौत की सज़ा के खिलाफ अपील दाखिल की थी और इसके बाद आता है 1 दिसंबर 2023 का समय, जिस दिन दुबई में आयोजित हुए COP28 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमिल बिन अहमद अल थानी से मुलाकात की थी। उस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय साझेदारी और कतर में रहने वाले भारतीय समुदाय की बेहतरी पर चर्चा भी की थी। 28 दिसंबर 2023 को सजा काट रहे भारतीय नौसैनिकों को बड़ी राहत मिली और कतर की कोर्ट ने मौत की सजा को कैद में बदल दिया। फिर समय आता है 12 फरवरी 2024 का। यह दिन बहुत बड़ा था, पूरे देश के लिए खुशी का दिन था, भारत सरकार की कूटनीतिक जीत का दिन था, क्योंकि भारत सरकार ने सभी 8 अधिकारियों की
रिहाई का इस दिन ऐलान कर दिया। लोकल पटाखों की तरह फुस हो चुका विपक्ष, या कह सकते हैं कि वैक्यूम विपक्ष, सैनिकों की रिहाई में भी मोदी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीतिक जमीन तलाश रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब इन सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई थी तो मोदी सरकार को किसने कितना कोसा था, और अगर मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत नहीं होती तो फिर कितनी गंदी राजनीति होती, और वो भी उस समय जब कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव आना है। पूर्व अधिकारियों की वापसी के बाद उन नेताओं, कथित बुद्धिजीवियों, पत्रकारों के पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिन्होंने इन पूर्व अधिकारियों को दी गई मौत की सजा का समर्थन किया था। भारत सरकार द्वारा इन पूर्व अधिकारियों के पक्ष में कूटनीतिक प्रयास करने पर उन्होंने भारत सरकार और पीएम मोदी पर निशाना भी साधा था, और इसके साथ ही कुछ लोगों ने इन पूर्व अधिकारियों को वापस नहीं लाने पर पीएम मोदी को अक्षम बताया था। फांसी की सजा पर भी राजनीति कर कुछ लोगों ने नीच मानसिकता का परिचय दिया था। यहाँ सबका जिक्र करना संभव तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नामचीन चेहरों का जिक्र करना जरूरी है कि आखिर उन्होंने उस वक्त क्या कहा था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 6 अप्रैल 2023 को बयान जारी कर इन पूर्व अधिकारियों को वापस लाने में भारत सरकार की अक्षमता पर सवाल उठाया था। एक्स पर एक पोस्ट में बयान को साझा करते हुए जयराम ने लिखा कि एक ऐसा देश जिसके साथ मदानी यानी पीएम मोदी और अडानी को लेकर अपमानजनक सब जयराम रमेश यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, उनके विशेष संबंध हैं। इस रिश्ते से अब तक पूर्व नौसैनिकों को मदद क्यों नहीं मिली, ये सवाल था जयराम रमेश का। उस दौरान कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा था कि हमें पता चला कि सभी 8 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है, उनके परिवारों को कभी यह नहीं बताया गया कि उन पर क्या आरोप है। मुझे बताया गया है कि उनके बचाव के लिए नियुक्त वकील भी परिवारों के साथ ताल मटोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, विदेश मंत्री एस जयशंकर परिवार के सदस्यों, पूर्व सैनिक और यहाँ तक कि संसद सदस्यों की विनती को भी कभी गंभीरता से नहीं लेते। पीएमओ को इसे कतर सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर उठाना चाहिए। हमारे पूर्व नौसेना अधिकारियों की सजा को तुरंत कम करवाकर उन्हें घर वापस लाना चाहिए, ये बोलते कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उस दौरान कहा था कि यह जानकर स्तब्ध हूँ कि कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है। मामले का ब्यौरा रहस्य और अस्पष्टता से घिरा हुआ है। विश्वास है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय मदद करने और उन्हें घर लाने के लिए कतर सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर तत्काल कदम उठाएगा। तो ये स्टेटमेंट है शशि थरूर साहब का। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि वतन वापसी पर क्या बोले पूर्व सैनिक। कतर से लौटे पूर्व भारतीय नौसैनिकों में, या कह सकते हैं कि भारतीय नौसेना कर्मियों में से एक ने कहा था कि हमने भारत वापस आने के लिए लगभग 18 महीने तक इंतजार किया, हम प्रधानमंत्री के बेहद आभारी हैं, यह उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बिना संभव नहीं होता, हम भारत सरकार द्वारा किए गए हर प्रयास के लिए तहे दिल से आभारी हैं, उन प्रयासों के बिना यह दिन संभव नहीं होता। कतर से लौटे एक दूसरे पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप के बिना हमारे लिए यहाँ खड़ा रहना संभव नहीं था, यह भारत सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण हुआ। कतर से लौटे पूर्व भारतीय नौसैनिकों में से एक दूसरे ने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि हम सुरक्षित भारत वापस आ गए हैं। निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि यह केवल उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप के कारण ही संभव हो सका। सही मायने में देखा जाए तो जब तक देश में मजबूत सरकार न हो, विदेशी सरकारें भी उस देश की नहीं सुन सकती। मामला इजराइल का हो या फिर रूस यूक्रेन का, आज भारत का हस्तक्षेप विदेशी सरकारें चाहती हैं। मोदी सरकार की मध्यस्थता ताकतवर देश चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भारत की कूटनीति पर विश्वास है, उन्हें भारत के उस ताकत पर भरोसा है जिसे आज दुनिया सुन रही है, समझ रही है, और जो G20 जैसे देशों के सम्मेलन में दिखा भी, और इन सभी चीज़ों को कतर भी देख रहा होगा। ऐसे में उसके लिए भारत सरकार को नज़रअंदाज करना आसान नहीं था। अभी तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।